चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सेक्शन देखेंगे। इस सेक्शन का काम क्या होता है, हम लोगों का लैपटॉप में बैटरी आता है, लैपटॉप का हम लोग का पावर सोर्स दो होता है, एक होता है एडाप्टर और दूसरा होता है बैटरी। तो जब हम लोग का बैटरी कनेक्टेड रहता है तब एडाप्टर जब कनेक्टेड रहता है तब बैटरी चार्ज होता है। जैसे हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाता है, पावर कट हो जाता हो, या फिर हम लोग जब उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो तब वो बैटरी से चलता है। तो आज हम लोग इसी सेक्शन के बारे में देखेंगे कि जब एडाप्टर इन रहता है तो कैसे बैटरी चार्ज होता है, और जब एडाप्टर हट जाता है, पावर सोर्स कट जाता है, तो तब कैसे बैटरी से डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक हो गया लैपटॉप चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सेक्शन। तो लैपटॉप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है V+B+, जिसको हम लोग बोलते हैं लैपटॉप का मेन पावर सोर्स का जगह होता है, ये एक रजिस्टर होता है। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या रहता है, एक चार्जिंग आईसी रहता है, उसके साथ में कुछ मॉस्फेट कॉइल कैपेसिटर रहता है, इसमें भी स्विचिंग सर्किट यूज होता है। तो चार्जिंग में क्या रहता है, एक टीजी मॉस्फेट रहता है और एक बीजी मॉस्फेट रहता है। ठीक है, तो V+B+ से हम लोगों का पहले कहाँ पे आएगा, टीजी मॉस्फेट का ड्रेन पे V+B+ से जो 19 वोल्टेज इन होता है वो इन होगा। उसके बाद एक बीजी मॉस्फेट रहता है, ये हो जाता है इसका स्विचिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का टीजी मॉस्फेट, ये हो गया बीजी मॉस्फेट, ये गेट, ये ड्रेन और ये सोर्स। ठीक है, तो इस स्विचिंग पॉइंट के आउटपुट में हम लोग को मिलेगा एक कॉइल मिलेगा, कॉइल के बाद कुछ दो तीन या किसी बोर्ड में एक भी पोलराइज कैपेसिटर रह सकता है, तो ये लेकिन ये आउटपुट में पोलराइज कैपेसिटर मस्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे चल जाएगा, ये सीधा चल जाता है हम लोगों का बैटरी कनेक्टर, बैटरी का जो पॉजिटिव पिन रहता है उस पिन पे ये कनेक्शन चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी के साथ और भी कनेक्टर पिन रहता है, जैसे एक रहता है SMBC रहता है, एक रहता है SMBD, एक रहता है सेंस के लिए बैटरी मेरा कनेक्टेड है या नहीं भी। जैसा हम बैटरी हटा लेते हैं तो वहां पे बैटरी को वहां पे क्रॉस मार्क दिखता है, वो सेंस के लिए होता है, और कुछ कुछ जगह में एक NCB रहता है और एक रहता है ग्राउंड के लिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग का 19 वोल्ट इन होता है। ठीक है, अब यहां से अकॉर्डिंग टू बैटरी 10-14 वोल्ट, बैटरी का जितना वोल्टेज रहता है उतना वोल्टेज यहां से आउटपुट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, इस आउटपुट के बाद में एक फ्यूज रहता है। ठीक है, फ्यूज के बाद फिर से एक मॉस्फेट रहता है। अब ये जो मॉस्फेट रहता है ये किसी बोर्ड में एन चैनल भी रह सकता है, किसी बोर्ड में पी चैनल भी रह सकता है, ये बेसिकली हो जाता है हम लोगों का डिस्चार्जिंग मॉस्फेट। ठीक है, ये हो जाता है डिस्चार्जिंग मॉस्फेट। डिस्चार्जिंग मॉस्फेट का दूसरा लेग कहां से कनेक्ट रहता है, V+B+ का जो लाइन है उस लाइन के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसको हमने डॉट डॉट दिया है, इसको इसीलिए डॉट डॉट दिया है क्योंकि जब मेरा V+B+ में एडाप्टर का वोल्टेज रहेगा तब ये मॉस्फेट मेरा बंद कंडीशन में रहेगा, ये वर्क नहीं करेगा। जब हम लोग का एडाप्टर आउट हो जाता है, जब एडाप्टर का वोल्टेज मिसिंग होता है, तब ये मॉस्फेट का थ्रू वोल्टेज पास होकर V+B+ में आता है और यहाँ से सारे बोर्ड में बाकी वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो SMBC, SMBD और टेम्परेचर या फिर सेंस का जो पिन है ये IO का साथ कनेक्टेड रहता है। अब हम लोग का सिस्टम को कैसे पता चलता है कि बैटरी का क्या स्टेटस है, बैटरी में कितना परसेंट चार्ज है, वो सारा चीज ये पॉइंट से हम लोगों को मिलता है। ठीक है, ये डायरेक्टली IO के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है, ये IO के साथ एक रजिस्टर रहता है, रजिस्टर के साथ ये कनेक्टेड रहता है। SMBC मतलब हो गया हम लोगों का जो क्लॉक वाला डेटा रहता है, और SMBD हो जाता है डेटा सिग्नल, और एक रहता है सेंस का पिन जो डिटेक्ट करता है कि मेरे लैपटॉप में बैटरी लगा है या फिर नहीं लगा है, ये डायरेक्टली IO के साथ कनेक्टेड रहता है। और IO चार्जिंग IC को जब एनेबल का सिग्नल देगा तब ये चार्जिंग स्टार्ट होता है। चलिए मैं फिर से तो स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस को मैं बता देता हूँ। V+B+ में जब हम लोग का एडाप्टर का वोल्टेज प्रेजेंट रहता है
तब बी प्लस होके वोल्टेज हम लोग का यहाँ पे ये टीजी मॉस्फेट का ड्रेन में इनपुट होता है, सोर्स से आउटपुट होके हम लोग का बैटरी का पॉजिटिव पिन में कनेक्टेड हो जाता है। अब आता है कि कब चार्जिंग होगा। कंप्यूटर को कैसा पता चलता है कि उसके बैटरी में 50% चार्ज है, 60% चार्ज है, उसके लिए यहाँ पे देखिए बैटरी पिन में तीन अलग से पिन रहता है। एक रहता है SNBC, SNBD और टेम्परेचर। टेम्परेचर और सेंस वाला जो रहता है वो बैटरी को डिटेक्ट कराने के लिए होता है। SNBC हो जाता है हम लोग का क्लॉक सिग्नल के लिए और SNBD हो जाता है डेटा सिग्नल के लिए। ये IO के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है, रजिस्टर से वाया होके कनेक्टेड रहता है। इसके थ्रू में बैटरी का सारा इन्फॉर्मेशन, बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स क्या है, कितना टेम्परेचर है, ये सारा चीज दिखता है। जैसे हम लोग ये पॉजिटिव पिन में 10 से 14 वोल्ट के बीच में मिलता है, ये डिपेंड करता है कि बैटरी कितने वोल्ट के ऊपर में है। उसी तरह SNBC, SNBD और टेम्परेचर ये पिन में हम लोग को 3 वोल्ट के आसपास मिलता है, ठीक है। SNBC, SNBD में हमेशा वोल्टेज रहेगा। जैसे हम लोग इस पॉइंट पे बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो ये टेम्परेचर और सेंस वाला जो पिन रहता है इसका जो 3.3 वोल्ट या 3 वोल्ट के आसपास जो भी वोल्टेज रहता है वो वोल्टेज क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। जैसे ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो कंप्यूटर को पता चलता है, IO के पास सिग्नल आता है कि मेरा बैटरी अब कनेक्टेड है। फिर उससे सारे इन्फॉर्मेशन SNBC, SNBD के थ्रू में IO में आता है। उसके बाद IO जब देखता है कि मेरा बैटरी में 50% चार्ज है और मेरा यहाँ से एडाप्टर भी प्रेजेंट है, तब मेरे को बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो तब ये क्या करता है, चार्जिंग IC को IO एनेबल सिग्नल देता है, फिर यहाँ से स्विचिंग होकर आगे में जाके वोल्टेज ट्रांसफर होता है। ये था हम लोग का बेसिक एक डायग्राम, एक थ्योरेटिकल पार्ट। अभी हम लोग एक बोर्ड पे चेक करेंगे कि कैसे हम लोग बैटरी का चार्जिंग सेक्शन को कैसे हम लोग चार्जिंग सेक्शन को ट्रेस करेंगे। तो हम लोग को जानना होगा कि ये चार्जिंग वाला सेक्शन बोर्ड में कहाँ पे रहता है। इसका लोकेशन होता है जहाँ पे बैटरी कनेक्टर रहता है, ये होगी हम लोग का बैटरी कनेक्टर। तो ये बैटरी कनेक्टर का आसपास में ही ये चार्जिंग सेक्शन होगा बोर्ड में। अब देखिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, V+B+ से स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम लोग V+B+ से अगर स्टार्टिंग करेंगे तो V+B+ से जितना भी मॉस्फेट है सारे मॉस्फेट में पावर जाता है, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे कि हम लोग इसको कैसे चेकिंग करें। सारे मॉस्फेट में तो बीप देगा टीजी मॉस्फेट पे, तो इसीलिए इस सेक्शन का जो चेकिंग है हम लोग बैक साइड से स्टार्ट करते हैं, मतलब बैटरी कनेक्टर से हम लोग इसको रिवर्स वे में चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतना सारा पिन है, हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है या फिर कौन सा नेगेटिव है। अब हम लोग को इतना पता है कि इस बोर्ड में ये जो स्क्रू पॉइंट रहता है ये रहता है हम लोग का कॉमन ग्राउंड पॉइंट। तो बैटरी का जो कॉमन ग्राउंड पॉइंट है वो बैटरी से भी कनेक्टेड रहेगा। तब यहाँ पे देखिए ये जो पिन है ये किसी से बीप नहीं दे रहा है। अब देखिए ये दोनों पिन से बीप दे रहा है, मतलब ये हो गया हम लोगों का कॉमन ग्राउंड। अब यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखना है, यहाँ पे जैसे दो नेगेटिव पॉइंट यूज किया गया है, ठीक है, उसी तरह उसका ऑपोजिट में ये दोनों पिन हो जाएगा हम लोगों का पॉजिटिव वाला पिन, मतलब ये हो गया हम लोगों का बैटरी का पॉजिटिव पिन, ठीक है। तो पॉजिटिव पिन के साथ क्या कौन कनेक्टेड रहेगा, पॉजिटिव पिन के साथ एक फ्यूज और एक कॉइल कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव पिन, इसके साथ ये देखिए ये जो फ्यूज है, पॉजिटिव पिन के साथ ये फ्यूज हम लोग का कनेक्टेड है। अब इस कनेक्टर के नियरेस्ट मेरे को कॉइल ये वाला मिल रहा है, तो हम इससे एक बार चेक करके देखते हैं ये बीप दे रहा है कि नहीं। देखिए ये भी बीप दे रहा है, मतलब ये हो गया हम लोगों का चार्जिंग वाला कॉइल। अब कॉइल के बगल में यहाँ पे देखिए दो मॉस्फेट दिख रहा है। अब इस कॉइल के साथ टीजी मॉस्फेट का सोर्स कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे देखिए एक मॉस्फेट है, ये हो गया इसका टीजी मॉस्फेट, टीजी मॉस्फेट का सोर्स कनेक्टेड है। बीजी मॉस्फेट का ड्रेन भी कनेक्टेड होगा, बीजी मॉस्फेट का ड्रेन भी कनेक्टेड है, बीजी मॉस्फेट का सोर्स ग्राउंड होगा, बीजी मॉस्फेट का सोर्स ग्राउंड है। ये हो गया उनका टीजी मॉस्फेट और ये हो गया बीजी मॉस्फेट। अब टीजी मॉस्फेट का ड्रेन में पावर कहाँ से आता है, V+B+ से। इस बोर्ड का V+B+ हो गया ये वाला, इस पॉइंट के साथ यहाँ पे ये टीजी मॉस्फेट देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये हो गया हम लोगों का चार्जिंग सेक्शन का टीजी मॉस्फेट, बीजी मॉस्फेट और ये कॉइल, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसका नियरेस्ट में देखिए यहाँ पे एक IC है, तो ये हो जाएगा हम लोग का चार्जिंग IC। इसको हम कैसे कन्फर्म करेंगे, इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे देखिए जो टीजी मॉस्फेट है उसका जो गेट पॉइंट है वो इस IC का किसी ना किसी लेग के साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, और बीजी मॉस्फेट का भी गेट के साथ ये कनेक्टेड रहेगा।
ठीक है। तो इससे हम लोग ये कंफर्म हो गए कि ये हम लोग का चार्जिंग आईसी है। अब बाकी रह गया हम लोग का डिस्चार्जिंग मॉस्फेट। तो डिस्चार्जिंग मॉस्फेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डिस्चार्जिंग मॉस्फेट का एक साइड हम लोग का ये जो कॉइल है, कॉइल का चार्जिंग कॉइल के साथ कनेक्टेड रहेगा, और ऑपोजिट साइड वी प्लस बी प्लस जो रजिस्टर है उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। अब देखिए इसके नियरेस्ट में हम लोग ये वाला एक मॉस्फेट दिख रहा है, तो अब हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हम लोग का डिस्चार्जिंग मॉस्फेट है। तो उस बेसिस पे इसको हम लोग अब चेक करते हैं। देखिए ये हो गया कॉइल, कॉइल के एक साइड इस मॉस्फेट के साथ बीप देना चाहिए। देखिए इस मॉस्फेट का ड्रेन के साथ ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है। अब इसका सोर्स फिर हम लोग का वी प्लस पॉइंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब देखिए ये इसका सोर्स वी प्लस के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे हम लोग श्योर हो गए हैं कि ये हम लोगों का डिस्चार्जिंग मॉस्फेट है। ठीक है, ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल वाला सेक्शन। आगे फिर हम लोग नया सेक्शन के बारे में देखेंगे।